आप लोगों की हाई डिमांड पर आज मैं आपको कॉलर ब्लाउज बनाना सिखा रही हूँ, वो भी एक बहुत ही सुंदर बैक नेक डिजाइन के साथ। और इसे बनाना मैंने आपको बहुत आसान तरीके से सिखाया है, जिससे आप बड़ी आसानी से अपने लिए ब्लाउज बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसे बनाने के लिए हमने लिया है साड़ी का ब्लाउज पीस। अब इसको फैला लेंगे। तो कपड़े को आपको फैलाना है और उल्टे साइड से उसको डबल फोल्ड करके रखना है। इस तरह फोल्ड करिए। उसके बाद अब आपको कपड़े को सीधा करना है। कपड़े को हमने सीधा कर दिया है। अब कपड़े पर मार्किंग करने से पहले आपको इस तरह बॉडी के सारे नाप को अच्छे से लिख कर रखना है। उसी नाप के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको निशान लगाना है लंबाई का। ब्लाउज की जो भी लंबाई है उसमें आपको 3 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। नीचे की साइड 1.5 इंच का मार्जिन रहेगा जो तुरपाई में यूज होगा, और 1.5 इंच का मार्जिन यूज हो जाएगा बेल्ट में और ऊपर की सिलाई में जो शोल्डर में डाली जाती है। तो जैसे कि इसकी लंबाई है 13 इंच, इसमें हमने 1.5 इंच मार्जिन को मिला दिया, तो ये निशान आ गया 14.5 इंच पर। अब इसको सीधा कर देंगे। तो अब हम ऊपर से ही निशान लगाएंगे आर्म होल का। ये निशान लगा दिया 7 इंच पर। दूसरा निशान लगाएंगे टक्स पॉइंट का जो आएगा 9.5 इंच पर। और तीसरा निशान लगाएंगे बेल्ट की साइज का, ये आएगा 12 इंच पर। अब इन निशानों को सीधा कर देंगे। इस तुरपाई वाले निशान को भी सीधा कर देते हैं, जिससे आपको क्लियर दिखेगा। तो ये लंबाई के हमने सारे निशानों को लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पर मार्जिन लेंगे हाई और हॉकी की पट्टी के लिए। ये मार्जिन हो गया है हाई और हॉकी के लिए। अब यहाँ पे निशान लगाना है आपको फुल शोल्डर का। जब भी कॉलर वाला ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें होता है फुल शोल्डर यूज। इस कंधे से उस कंधे तक का जो भी नाप होता है उसे पूरा रखा जाता है। तो जैसे कि इसमें फुल शोल्डर है 14.5 इंच, उसका हाफ आएगा 7.25 इंच, 7.25 इंच, और 1/2 इंच का ले लेंगे हम सिलाई मार्जिन। अब इस निशान को इससे मिला देंगे। अब यहाँ पर निशान लगाना है आपको सीना का चौथाई भाग का। तो जैसे कि इसमें सीना की साइज है 36 इंच, 36 का चौथाई भाग होता है 9 इंच, और 1/2 इंच की इसमें लूजिंग मिला देंगे। 1/2 इंच की लूजिंग मिलाने से इसमें पप बहुत आसानी से बन जाता है। अब इस निशान को सीधा कर देंगे, और यहाँ पर आपको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है जो साइड से एक्स्ट्रा रहता है। अब इसके बाद यहाँ पर गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, ये आएगा 3 इंच पर। और अगर आप इससे छोटी साइज का बना रहे हैं जैसे 34 या 32 का, तो आपको ये निशान लगाना है 2.5 इंच पर। अब यहाँ पर इसकी लंबाई रखेंगे 3.5 इंच। कॉलर वाले ब्लाउज में पहले से गले की चौड़ाई को ज्यादा नहीं रखा जाता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आर्म होल को 1 इंच पीछे की साइड लेना है। इस निशान से इस तरह मिलाइए। यहाँ पे आपको आर्म होल में इस तरह का शेप देना है, और यहाँ पर 1 इंच इसका झुकाव रखना है। आप इंच टेप से इस तरह चेक करिए और यहाँ पर निशान लगा लीजिए। मीडियम साइज में ये झुकाव आपको 1 इंच पर ही करना है। अब यहाँ से इसकी गुलाई देना है। तो यहाँ पे अब आपको 1 इंच पर निशान लगाना है इस तरह। इस तरह आपको आर्म होल का निशान लगाना है। आर्म होल में गुलाई को बनाने के बाद अब हमें गुलाई बनाना है गले में। तो गले में आपको ज्यादा गहराई से गुलाई नहीं देना है, इस तरह गुलाई को ले जाना है। तो कॉलर वाले ब्लाउज में ज्यादा गहराई से गुलाई को नहीं दिया जाता है, इस तरह आपको रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको बेल्ट में ध्यान देना है। बेल्ट को 1 इंच ऊपर की साइड निशान लगाना है, और यहाँ पर लगाएंगे 1/2 इंच पर, और इस तरह मिला देंगे। हल्के हाथों आपको गुलाई देते हुए इस निशान से मिला देना है इस तरह। तो इस तरह बेल्ट में बहुत सुंदर गुलाई आ जाएगी। गुलाई को देने के बाद अब निशान लगाएंगे हम टक्स के लिए। तो ये निशान लगा दिए हमने 3.5 इंच पर। अब इधर से इंची टेप को आपको इस तरह रखना है तिरछा, और यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो ये 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगा दिया है, और इस तरह मिला दिया।
तो एक टक्स आपकी ए बन जाएगी और एक टक्स ई बन जाएगी। अब आपको 1.5 इंच की दूरी पर फिर इंची टेप को रखना है इस तरह और इस निशान को इस तरह मिलाना है। अब आपको इसकी दूरी रखना है 1.25 इंच, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। अब इस निशान को आपको आर्म होल की गुलाई तक ले जाना है इस तरह। इस तरह आपको चारों टक्स के निशान मिल जाएंगे। उसके बाद अब हमें इसी निशानों पर इसकी कटिंग करना है। तो इस तरह आपको आगे के पार्ट को काट के निकालना है। और मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि टक्स की चौड़ाई आपको कैसे रखना है। जैसे कमर की जो भी साइज होती है, पहले उसका चौथाई भाग निकालिए और उसमें 2 पॉइंट की लूजिंग बढ़ाइए। जैसे कि इसमें कमर की साइज है 30 इंच, तो उसका चौथाई भाग होगा 7.5 इंच। ठीक है, यहाँ पे मैं निशान लगा देती हूँ और 2 पॉइंट बढ़ा देती हूँ लूजिंग का। उसके बाद यहाँ पर जो भी साइज बचती है उसको चेक कर लीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर साइज बच रही है 1.25 इंच, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर टक्स बनकर तैयार होगी 1.25 इंच की। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे इस तरह, 1.25 इंच से 1 पॉइंट बढ़ाकर यहाँ पर रख दिया और 1.25 इंच से 1 पॉइंट बढ़ाकर यहाँ पर निशान लगा दिया और बस इसको इस तरह मिला देंगे। इसी तरह आपको हर साइज के लिए टक्स की चौड़ाई को निकालना है। यहाँ पर जो भी साइज बचती है उसको यहाँ पर रख दीजिए। अब हम कटिंग करेंगे पीछे के पार्ट की। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप बिना कटिंग सीखे परफेक्ट ब्लाउज बनाना सीखना चाहते हैं, तो आप मेरी ड्राफ्टिंग से परफेक्ट ब्लाउज, सूट, सलवार, प्लाजो आदि बड़ी आसानी से बना सकते हैं, वो भी बिना किसी मिस्टेक के। आपको तो बस मेरे पैटर्न को उठाना है, कपड़े पर रखना है और मेरे लगाए हुए सेम निशानों पर कटिंग करना है और आपका परफेक्ट ब्लाउज बनकर तैयार हो जाएगा। और इसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग की वीडियो भी दी जाती है, जिससे आपको बनाने में आसानी हो। अब आप अपने पसंद का कोई सा भी पैटर्न ऑर्डर कर सकते हैं राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप में कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ। और इस पर अभी आप सभी के लिए स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है और आप इंडिया में कहीं पर भी रह के मेरे पैटर्न को ऑर्डर कर सकते हैं। अब आप मंगाइए, ट्राई कीजिए। तो ये उठा लिया हमने बचे हुए कपड़े को। अब हम निकालेंगे पीछे के पार्ट को। इस तरह आप डबल में फोल्ड करके रखिए और इसी के ऊपर आगे के पार्ट को मिलाकर रखिए। ये ले लिया हमने आगे के पार्ट को और इसके ऊपर मिलाकर इसको रख देंगे। इस तरह आपको रखना है। हाई और हुके के कपड़े को आपको आगे की साइड बढ़ाकर रखना है इस तरह। यहाँ पे पहले हम कपड़े को सीधा कर देंगे। तो कपड़े को हमने सीधा कर दिया है। सीधा करने के बाद इसमें 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है 1/2 इंच का मार्जिन, क्योंकि इसमें हम लगाएंगे लेस को। लेस से क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा और इसमें बहुत सुंदर लुक आ जाएगा। ये लेस काफी चौड़ी है, इसलिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच का तुरपाई मार्जिन नहीं लिया है, इसलिए हमने सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन लिया है। और अगर आप इसमें लेस नहीं लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, या तो फिर 1.5 इंच का मार्जिन ले लीजिए या फिर अलग से एक पट्टी को ज्वाइंट करके उसको फोल्ड कर सकते हो। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि बेल्ट में जो हमने 1 इंच का यहाँ पे मार्जिन लिया है उसको हम नीचे की साइड फोल्ड कर देंगे और इस निशान से मिलाकर रख देंगे इस तरह, क्योंकि आगे के पार्ट में 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा है जो बेल्ट में यूज होता है। अब आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिए कि 1 इंच पर निशान लगाना है आपको ऊपर की साइड इस तरह। इस तरह आपको शोल्डर में 1-1 इंच का निशान लगाना है और इसी से आपको बराबर से मिलाना है। इस तरह आपको इसको तिरछा करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको 1 इंच के हिसाब से यहाँ पे निशान लगाना है गले में और बस इस तरह मिला दीजिए। और इसकी गुलाई आपको 1 इंच के अंदर ही देना है इस तरह, जिससे आपकी कॉलर कभी भी पीछे की साइड नहीं जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कि इस तरह आपको बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए आना है और हल्के हाथों इस तरह थोड़ा सा आर्म होल को बढ़ाते हुए निशान लगा देना है इस तरह। अब हम इसको हटा लेंगे। अब आपको यहाँ पे कमर का चौथाई भाग निकालना है। तो ये 1.5 इंच रख दिया हमने कमर का चौथाई भाग और 1 इंच रखेंगे टक्स के लिए। तो ये निशान लगाएंगे 1.9 इंच पर।
और इस तरह मिला दीजिए। यहाँ पे बस आपको कमर का चौथा ही भाग रखना है, 1 इंच टक्स के लिए बढ़ाना है। और ये हो गया एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इसमें पीछे की साइड हम डिजाइन बनाएंगे, इसलिए अभी टक्स का निशान नहीं लगाएंगे। जब डिजाइन बन जाएगी उसके बाद हम इसमें टक्स बनाएंगे। अब हम इसी निशान पर इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह पीछे के पार्ट की कटिंग कंप्लीट हुई। अब बचे हुए कपड़े से हम निकालेंगे आस्तीनें। तो अब हम आस्तीनें निकालने के लिए बचे हुए कपड़े को डबल में फोल्ड करेंगे। इस तरह डबल में इसको फोल्ड कर दिया है, यहाँ से इसको काट के निकाल लेते हैं। डबल में फोल्ड करने के बाद एक बार आपको 4 लेयर में रखना है, बीच में पकड़िए और इसको फोल्ड कर दीजिए। तो ये हो गया कपड़ा 4 लेयर में। तो जिस साइड आपको कटिंग करने में आसानी हो उस साइड से कपड़े को रखिए। बस आपको इसमें इतना ही ध्यान देना है कि जॉइंट वाली साइड अपने साइड होना चाहिए और खुली वाली साइड बाहर की साइड होना चाहिए। उसके बाद कपड़े को सीधा करिए और 1/2 इंच का यहाँ पर निशान लगा लीजिए। फिर यहाँ पर भी हम लेस लगाएंगे। तो ये हो गया मार्जिन। उसके बाद अब आपको आस्तीन की लंबाई का निशान लगाना है। जितनी साइज की आप बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से निशान लगाइए। जैसे कि मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ 5 इंच, तो इसका निशान लगाएंगे हम 5.5 इंच पर। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। अब दूसरा निशान लगाएंगे यहाँ पर 3 इंच पर। ये निशान 2.5 से 3 इंच में मीडियम साइज में आता है। और यहाँ पर निशान लगाना है आपको मोहरी की साइज का। तो जैसे कि इसमें मोहरी की साइज है 12.5 इंच, तो इसका निशान लगाएंगे हम 6 इंच 2 पॉइंट पर। और यहाँ पर ले लेंगे मार्जिन। ये हो गया है सिलाई मार्जिन। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आस्तीन की जो भी पूरी गुलाई होती है उसका हाफ रखना है। तो जैसे कि इसमें आस्तीन की पूरी गुलाई है 16 इंच, तो यहाँ पे हम इस तरह 3/4 इंची टेप को रखेंगे और ये निशान लगा देंगे 8 इंच पर। अब आपको इस निशान को इससे मिला देना है इस तरह। ये मार्जिन बढ़ा दिया। मार्जिन को बढ़ाने के बाद अब आपको यहाँ से गुलाई देना है। तो ये गुलाई आप कैसे देंगे, यहाँ पे इंची टेप को रखिए, 2 इंच 2 पॉइंट पे हमने यहाँ पे इंची टेप को रख दिया। उसके बाद यहाँ से हल्के हाथों आपको गुलाई को इस तरह ले जाना है और इस निशान से मिलाते हुए यहाँ पे मिला दीजिए। अब बस इसी निशान पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब आपको आस्तीन के 2 पार्ट को पकड़ना है और इसमें 1 साइड से गहराई देना है। तो ये गहराई आपको इस तरह ले जाना है और बस इसकी गहराई दे दीजिए। तो आप तो जानते ही हैं कि मीडियम साइज में इसकी गहराई को 1/4 इंच पर दिया जाता है। अब आस्तीनों की कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम कटिंग करेंगे कॉलर की। तो ये ले ली हमने कॉलर कटिंग करने के लिए बकरम। इसकी चौड़ाई को रखा है 3 इंच और कॉलर की जो गुलाई होती है उससे आपको 1 इंच इसकी लंबाई को बढ़ा कर लेना है। जैसे कि इसमें कॉलर की गुलाई है 17 इंच, तो हमने बकरम को लिया है 18 इंच के हिसाब से, 1 इंच इसमें बढ़ा कर लिया है। उसके बाद अब आपको इसको डबल में रखना है। इस तरह हमने इसको डबल कर दिया। डबल करने के बाद अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जितने साइज से आपने गले की कटिंग की है उसका निशान लगा दीजिए। तो जैसे कि हमने गले की चौड़ाई को 3 इंच रखा था, तो यहाँ पे भी हमने 3 इंच का निशान लगा दिया। तो अब आपको क्या करना है कि इसी निशान से यहाँ पर बढ़ाते हुए इस कॉर्नर से निशान को मिला देना है। उसके बाद अब आपकी जो भी कॉलर की गुलाई है उसका आपको निशान लगाना है। इस तरह यहाँ पे चेक करिए, 3 इंच हो गया, ये 4 इंच, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, और 8.5 का डबल हो जाएगा यहाँ पर 17 इंच। अब इस निशान को इस तरह कर दिया। अब इस निशान को डार्क कर देते हैं इस तरह, जिससे आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको 1 इंच का निशान लगाना है। कॉलर की साइज आपको बस 1 इंच से 1.25 इंच तक रखना है। अगर आप इससे बड़ी साइज का बनाते हैं तो आप 1.25 इंच की रखिए, नहीं तो मीडियम साइज में कॉलर 1 इंच की ही रखिए। 1 इंच की कॉलर बहुत सुंदर लगती है, कॉलर की ज़्यादा लंबाई अच्छी नहीं लगती, इसलिए कॉलर की साइज आपको 1 इंच ही रखना है। तो इस तरह आपको 1-1 इंच पर निशान लगाते जाना है।
और बस इस तरह मिलाने के बाद अब आपको यहाँ पर गुलाई देना है इस तरह। अब हम इसी निशान पर इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह आपको कॉलर की कटिंग करना है। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से कॉलर की कटिंग कर सकते हैं। अब हम कॉलर के लिए कपड़े को निकालेंगे। तो आपको क्या करना है कि कपड़े को फैलाना है, कपड़े को फैलाना है और इसके ऊपर कॉलर को रखना है और आधा इंच कपड़े को बढ़ाते हुए इसकी कटिंग करना है। इस तरह हमने कॉलर के लिए कपड़े को निकाल लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कपड़ा वर्क का है, इसलिए हम दोनों साइड वर्क वाले कपड़े को यूज नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमने लिया है प्लेन कपड़े को। प्लेन कपड़े में पहले हम बकरम को चिपकाएंगे, उसके बाद इसको यूज करेंगे। तो अब हमारे कॉलर ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हुई। अब मैं आपको पूरा रख कर दिखा देती हूँ। इस तरह कॉलर ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हुई। और अगर आप इसको कंप्लीट सिलना सीखना चाहते हैं बैक नेक डिजाइन के साथ, तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे गुरुवार को आपकी पसंद की वीडियो अपलोड होगी और उस वीडियो की लिंक आपको नीचे कमेंट में भी मिल जाएगी। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।